नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी ऑटोमोबाइल में। आइए आज हम ड्राइंग को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया पढ़ते हैं या ड्राइंग बनाना सीखते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे लाइंस के बारे में, ऑब्जेक्ट लाइन, डायमेंशन लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, फैटम लाइन और वीडियो लाइन। इस सब का हम लोग देखे कैसे कैसे बनता है, सब शेप कैसा होता है, कितना छोटे छोटे कितना इसको खींचा जाता है, किसका किसका यूज कहाँ होता है, सिर्फ हम लोग अध्ययन किए थे। अब प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे कि किस लाइन का कहाँ यूज करते हैं और कौन सा लाइन कैसा होता है। जैसे देखिए हम एक ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं, ऑब्जेक्ट आप लोग को दिख रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट को बनाना सीखेंगे हम लोग। और इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमें सेट स्क्वायर का यूज हम लोग जान लेते हैं कि सेट स्क्वायर का यूज कैसे करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं सेट स्क्वायर का यूज कैसे करते हैं। सेट स्क्वायर हम लोग देखे हैं, देखिए ये इस तरह का जो दो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का दोनों मिला के जो है नाम है इसका सेट स्क्वायर। देखिए दोनों मिला के नाम है, यही दोनों का फिगर हम लोग यहाँ पे बना के रखे हैं पहले से ताकि समझने में आसानी हो। देखिए दोनों फिगर का दोनों हाथ पहले से बना के रखे हैं। इसमें देखिए दोनों में से दोनों सेट स्क्वायर का यूज कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं आपको, लेकिन इसका पहले जान लेते हैं कि कैसा होता है इसका। देखिए ये जो नुकीला वाला सेट स्क्वायर है, ये आप लोग क्या हम लोग सभी जानते हैं कि सेट स्क्वायर का यूज कहाँ करते हैं, लेकिन ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोनों का योग 180 सभी लोग जानते हैं। इसमें देखिए ये कोण जो है 90 डिग्री है और दूसरा ये कोण पतला है और ये कोण देखिए ज्यादा मोटा है। हमको देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो एंगल है इसका ये एंगल दुगुना है, अर्थात ये 30 डिग्री होगा और इसका दुगुना ये 60 डिग्री है, तब ये 30 60 90 और 90 180। देखिए यहाँ क्लियर में ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल ये वाला एंगल है ये है 60 डिग्री का, 60 डिग्री, और ये तीसरा 90 डिग्री तो स्पष्ट दिख ही रहा है। ये तीनों है, इसका यूज हम लोग 30 डिग्री एंगल खींचने के लिए और इधर से 60 डिग्री एंगल खींचने के लिए कैसे भी खींच सकते हैं इसको 60 डिग्री एंगल, बताएंगे अभी खींच के बताएंगे, आप लोग को भी प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए ये दूसरा सेट स्क्वायर है, देखिए दूसरा सेट स्क्वायर है जिसका फिगर हम बना के रखे हैं, इसमें ये दोनों कोण बराबर बराबर है, इसका जो दोनों एंगल है ये बराबर बराबर है, अर्थात 45 डिग्री का ये और दूसरा ये फिर 45 डिग्री का ये, तो 45 45 90 और ये तो 90 है ही, तो 90 90 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पे सेट स्क्वायर का हम लोग देख लीजिए कि दो तरह के सेट स्क्वायर है अपने पास, जिसमें कि हम लोग आसानी से लाइन खींचने के लिए 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का, इतना डिग्री का एंगल पे हम लोग लाइन खींचने के लिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रोटेक्टर की सहायता से या बिना कोई चांद दिए हुए हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। कितना कितना 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45 है और 90 डिग्री, मतलब 30 45 60 90 ये इतना डिग्री का कोण हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, ये अगर दोनों मिला के सेट स्क्वायर कहते हैं। इस सेट स्क्वायर पे जो इंडिकेशन होता है एक तरह से एमएम में होता है, एमएम में, और एक तरह से सेंटीमीटर में इसका माप दिया हुआ रहता है। दोनों में देखिए इसमें भी एमएम है, इसमें सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। और ये जो 45 डिग्री वाला जो है सेट स्क्वायर, इसमें जो है एक प्रोटेक्टर भी चांद भी बना होता है, देखिए ये चांद जिसमें कि हम लोग अगर इस सब के अलावे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के अलावे अगर किसी एंगल पे हमको लाइन खींचना है तो इस प्रोटेक्टर पे हम लोग एंगल बना के लाइन खींच सकते हैं। तो इस सेट स्क्वायर से सभी काम कर सकते हैं ड्राइंग का, सिर्फ ये दो सेट स्क्वायर से हम लोग सभी काम ड्राइंग में जितना भी आइसोमेट्रिक बनाना हो, व्यू बनाना हो कर सकते हैं। सिर्फ हमको ये चाहिए माने पेंसिल लगाने वाला जो है वो, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट आप लोग फिगर देख रहे हैं, प्रकार है, डिवाइडर है, इंच है, सेट स्क्वायर है, इतना अगर हमारे पास है अवेलेबल तो हम किसी भी ड्रॉइंग को बना सकते हैं किसी भी एंगल पे, चाहे जैसा भी हो, ठीक है। तो हम आइए बताते हैं आपको ये इस सब का यूज कैसे करते हैं, अर्थात पैरेलल लाइन कैसे खींच सकते हैं, 30 डिग्री पे कैसे खींच सकते हैं, 90 डिग्री पे कैसे खींच सकते हैं, ये बताते हैं।
और इस सब बताने के बाद हम ऐसा व्यू बताने ऐसा आइसोमेट्रिक बनाने के लिए भी आपको बताएंगे कि आप ऐसा आप लोग ऐसे कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो ये जो फिगर बनाएंगे उसको पहले मिटा देते हैं तब बनाएंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो जितना है उतने काम चला रहा है। देखिए इससे जो स्क्वायर से हम लोग अभी दो पैरेलल लाइन, दो नहीं अनगिनत पैरेलल लाइन खींचने के लिए सीखेंगे, समांतर रेखा खींचने के लिए। कैसे खींचते हैं, कैसे बैठाते हैं, आपको देखिए। पहले हम लोग इसको ऐसे बैठाएंगे, देखिए देखिए ये दीवार है या कॉपी भी हो सकता है, एक सीधा लाइन खींच लिए। इस लाइन पर हम लोग 30 डिग्री लाइन खींचने की प्रैक्टिस करते हैं, 30 डिग्री लेफ्ट एंड 30 डिग्री राइट। तो 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम इस चीज स्क्वायर को ऐसे बैठा लेंगे, इसको बैठाएंगे 30 डिग्री एंगल को ऐसे। देखिए फिगर में दिख रहा है 30 डिग्री राइट साइड इससे लाइन खींचाएगा, 30 डिग्री राइट साइड। देखिए ये लाइन 30 डिग्री राइट साइड स्लाइड कर रहे हैं, ये भी 30 डिग्री राइट साइड, ये देखिए ये भी 30 डिग्री राइट साइड, ये भी 30 डिग्री राइट साइड और ये भी 30 डिग्री राइट साइड। ठीक है, अगर हम इसी पे लाइन हम लोग 30 डिग्री लेफ्ट साइड खींचना हो तो इसको क्या करें, अभी ऐसे खींचे हैं, इसको पलट लेंगे, ऐसे पलट लेंगे और यहां से खींचना शुरू करेंगे। ये 30 डिग्री लेफ्ट साइड, आप लोग इसे जैसे बचा कर रखिएगा, गिरेगा तो टूट जाएगा। लेफ्ट साइड देखिए हमने खींच लिया है, इसमें जितने भी लाइनें हैं सभी एक दूसरे के समांतर हैं, माने अगर लेफ्ट साइड झुका हुआ है तो चारों लाइन जो है पैरेलल है, अगर राइट साइड झुका हुआ 30 डिग्री है, ये चारों लाइन पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, अब हम लोग 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री खींचना चाहते सीखते हैं, 60 डिग्री इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों है, तो देख लीजिए इसको बैठा लेंगे और हम लोग इस भाग का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बैठा के देखिए है, इसको ऐसे बैठा के देखिए, इसका यूज करेंगे तो 60 डिग्री होगा। अगर हम फिर इसका लेफ्ट साइड खींचना शुरू करेंगे, जैसे ये राइट साइड खींचे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड खींचना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये बड़ा बड़ा भाग ये हो जाएगा लेफ्ट साइड 60 डिग्री। ठीक है, आप लोग समझ गए लेफ्ट साइड 60 डिग्री कैसे खींचेंगे और राइट साइड 60 डिग्री कैसे खींचेंगे, उसके लिए स्टेट स्क्वायर कैसे बैठाएंगे। ठीक है, अब आगे आइए हम लोग 45 डिग्री देखते हैं कि 45 डिग्री कैसे खींच पाएंगे। 45 डिग्री क्या करेंगे, इसको नीचे बैठाएंगे अर्थात ऐसे, और ये जो 45 डिग्री का एंगल वाला है स्टेट स्क्वायर, इसका यूज हम लोग कैसे बैठाएंगे, देख लीजिए फिर इस एंगल का यूज करें 45 डिग्री राइट साइड, राइट साइड। अगर हमको लेफ्ट साइड खींचना हो तो इसका ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे, जितना भी होगा ये लाइन 45 डिग्री का। देखिए ये आपका आसानी से हो गया, देखिए 30 डिग्री लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये हो गया 60 डिग्री लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये हो गया 45 डिग्री लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब ये वाला लाइन हो गई लेफ्ट साइड वाला, ये वाला हुआ राइट साइड,
ये लेफ्ट साइड और ये सब लाइन जो है राइट साइड, ठीक है। आप समझ गए 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का लाइन खींचने के लिए मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको अगर लगता है कि दिक्कत तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि अब हमको पैरेलल खींचना है, जैसे कोई भी लाइन खींच ली, कोई भी लाइन एनीबॉडी कोई भी लाइन हो उसको पैरेलल खींचना हो, देखिए ये लाइन खींच लिए, इसके पैरेलल अगर हमको खींचना है तो क्या करेंगे, इसको यहां लगाएंगे नीचे, कैसे लगा लिए देख लीजिए अच्छे से। अब इसको क्या करेंगे नीचे स्लाइड करेंगे, यहां पर खींच लेंगे पैरेलल, इसको दबा कर रखेंगे, इसको नीचे खिसकाएंगे, देखिए ये पैरेलल, इसको नीचे खिसकाएंगे फिर देते ये भी पैरेलल, ये पैरेलल लाइन ऐसे खींच सकते हैं। इसके अलावा भी हम पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग और इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा उपाय है, इसको भी बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा के हम लोग ऐसे भी पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ऐसे खींच लीजिए फिर इसको नीचे स्लाइड करके 90 डिग्री पे या फिर पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ऐसे भी खींच सकते हैं पैरेलल, तो सेट स्क्वायर को आप लोग बैठाइए, सेट स्क्वायर को बैठाइए, आप लोग कॉपी किताब लेके भी बैठ जाइए, ड्राइंग का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेके बैठने के बैठ जाइए, बनाने के लिए बनाइए। बनाने में क्या असुविधा होता है आप कमेंट में लिखिए, हम उसको अपने वीडियो में दूर कर देंगे, ठीक है, बनाइए। वैसे हमने आप जैसे कि बताया था आपको, हम ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको बताएंगे इस सेट स्क्वायर के माध्यम से कैसे बनाएंगे, आइए हम बताते हैं आपको। इसको भी मिटा देते हैं, गर्मी से हालत खराब हो जाता है, क्या करें, पंखा खराब हो गया है। देखिए हम ये ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाते हैं, आपको बनाने के लिए सीखिए, आइए बन जाएगा तो फिर कल दूसरा बताइए। इसका यूज देखिए हम क्या करेंगे, फटाफट जल्दी बताना बता रहे हैं आप लोगों को, जल्दी में देख लीजिए आप लोग जल्दी कैसे बनाते हैं। इसको यहां बैठा लिए, इसके लिए एक हम मार्किंग कर रहे थे यहाँ पे कि ये सेट स्क्वायर के कभी हिल ना जाए, इसलिए हमने आपको मार्क कर दिया, इससे इस पर हिलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बैठा देंगे। इसको ऐसे बैठाएंगे 30 डिग्री 30 डिग्री राइट साइड, 30 डिग्री लेफ्ट साइड, 30 डिग्री सॉरी 90 डिग्री ऐसे बैठा लेंगे, 90 डिग्री होगा, इसलिए हम नहीं बता पाए थे, अभी देख लीजिए 90 डिग्री। इसका देखिए इसको सलाइड करके हम लेके चले जाएंगे कहां पे, यहां पे थोड़ा सा हम बिना नाप का बना देते हैं, खींचती है खींच लिए, बहुत आसान है, देखिए इस लाइन पे इसको बैठा लिया, इसका मतलब मेरा नीचे वाला सही बैठ गया, इसको देखिए देखिए मेरा सही स्क्वायर छोटा पड़ गया, थोड़ा सा ये मेरा एंगल मिल गया, इसको इसे बैठा खींच लेंगे, बन गया। फिर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल हम कर लेंगे यहां पे, देखिए यहां पर चेक कर लेते हैं कि बैठा हुआ सही कि नहीं, देखिए इस लाइन में बैठा लिए चेक करने के लिए, इसको बैठा के फिर यहां से खींच लेंगे हम लोग,
देखिए मोटा मोटी ऐसा बन गया, आप लोग नाप के बनाइएगा। ये अगर 60 दिया है तो 60 mm है तो 60 mm नाप लेंगे, ये अगर 50 mm है 50 mm नाप के तब ऊपर खींचेंगे, ये अगर 80 डिग्री 80 है तो 80 इसको नाप के तब खींचेंगे यहाँ से फिर इधर, फिर इससे किस तरह का कमाल है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अभी एक और हम फटाफट बना के दिखाते हैं छोटा सा, क्योंकि बड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है बोर्ड पे, तो छोटा सा हमें बना के दिखाते हैं सेट स्क्वायर। सी सेट स्क्वायर का यूज कैसे करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज फटाफट कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए फटाफट हम कैसे बनाते हैं। इसको सबसे पहले नीचे बैठा लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं गार्ड लाइन के रूप में। इसके बाद सेट स्क्वायर का हम बिना कुछ सोचे समझे 30 डिग्री राइट साइड खींच लिए, फिर 30 डिग्री हम लोग लेफ्ट साइड खींच लेंगे, 30 डिग्री हम 90 डिग्री ऊपर खींच लेंगे, 90 खींच लिए। ठीक है, अब इसको क्या करें, हम यहां से यहां तक नाप लेंगे, यहां से यहां तक नाप लेंगे। मान लीजिए कितना दिया हुआ है 50, तो हम इसमें से हम यहाँ पे इसको 50 नाप लेंगे, से इसको जहां होगा मार्किंग कर लेंगे, तो मार्किंग कर लिए, मान लेंगे ये यहां होगा। ठीक है, क्या करें, यहां से हम ऊंचा खींच लेंगे, इसको भी नाप लेंगे। ये अगर 60 दिया हुआ है, यहां से ऐसे करके हम इसको 60 पे मार्किंग कर लेंगे। देख लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा मेरा सेट स्क्वायर छोटा पड़ जा रहा है, जिसके लिए हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहां पे रख के बनाएंगे, यहां पर रखेंगे तो जैसे तैसे रखा जाएगा, इसलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन मेरा सेट स्क्वायर से खींचा हुआ है, इसको ऐसे सेट स्क्वायर से बैठा देंगे, इसका मतलब सही हो गया, इसका फिर हम इसका यूज कर लेंगे। फिर 30 डिग्री यहां से लेफ्ट साइड, सेट इसका छोटा पड़ जा रहा है, फिर यहां से वो सेट कर लेते हैं इसको, इसे तक बैठा लिए तो सेट हो गया। ये क्यूब बन गया, बन गया। इसको डीप कर ले, पहले जो हम लोग बनाएंगे तो एच पेंसिल से बनाएंगे, पहले जो हम लोग लाइन वगैरह खींचेंगे मिटाना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एच पेंसिल का यूज करेंगे। एच पेंसिल जो है थिन होता है, अब मिटाएंगे तो आसानी से मिट भी जाएगा। इसके बाद जब बन जाएगा मेरा ये सब, तो जो एक्स्ट्रा निकला होगा उसको बिठा देंगे जहां जहां, तब इस पर फिर से स्केल बैठाकर डीप कर लेंगे। डीप करने के लिए हम लोग 4B एक्स्ट्रा डार्क या 8B वगैरह पेंसिल का यूज कर सकते हैं। पेंसिल का जो है प्रकार देख लीजिए, याद नहीं रहेगा। पहला होता है एच पेंसिल, एच पेंसिल उसका इंडिकेशन लिखेगा लास्ट में लिखा रहता है, एच पेंसिल थिन होता है, थिन। इसके बाद आता है FB, ये भी थिन ही होता है। इसके बाद आता है 1B, 2B, 4B, 6B, 8B, ये सब ऐसे आता है। आपको जितना यूज लगेगा, जितना जहां जरूरत रहेगा, जितना डीप की आवश्यकता होगा उतना आप कर लीजिएगा। अलग अलग कंपनी पर भी ये डिपेंड करता है, एक कंपनी का लीजिएगा तो ज्यादा डीप हो जाएगा, एक कंपनी का लीजिएगा कम डीप होगा, तो जितना का यूज होगा उतना का आप कर लीजिएगा। इस सब के अलावा एक एक्स्ट्रा डार्क भी पेंसिल आता है,
एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल जब आप बना लीजिएगा पहले, तब एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से उसको डीप कर लीजिएगा, इसमें आएगी ड्रॉइंग आपका सुंदर बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग सेट स्क्वायर का यूज करना सीख गए होंगे। फिर भी अगर लगता है आपको कि नहीं कोई दिक्कत रह गई है सेट स्क्वायर का बैठाने में यूज करने में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं उसका एक एक करके सबका सॉल्व करूंगा, या उस पे आधारित जो आपका समस्या है उस पर आधारित एक वीडियो बना के फिर से डाल दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यदि ये पसंद आता है तो। अगर ना पसंद आता है, किसी में आपको त्रुटि नजर आता है, तो उस त्रुटि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस त्रुटि को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।